चुनाव को लेकर सभाओं का दौर जारी है। ऐसे में लगातार जुबानी जंग दोनों ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने विवादित बयान दिया है। सीएम शिवराज को भूखा नंगा और कमलनाथ को देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति कह दिया। चलिए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर का विवादित बयान। बता दें आपको कि आज दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज को भूखा नंगा बताया है और कमलनाथ को उद्योगपति बताया है। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति है। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति है। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के। अब इस विवादित बयान पर लगातार सियासत गरमाने लगी है, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और दिनेश गुर्जर की विवादित टिप्पणी पर करारा जवाब दिया। शिवराज सिंह चौहान गांव का बेटा है, किसान का बेटा है, गरीब घर का बेटा है, कबीलों के घर में पैदा हुआ है, तो भूखे नंगे के घर में जन्मा कहकर अपमानित करोगे? वो गरीबों की चिंता करता है, गरीबों को दोजून की रोटी मुहैया कराता है, गरीबों के स्वास्थ्य की शिक्षा की चिंता करता है, उनके बेटे बेटियों की पढ़ाई की चिंता करता है, संबल योजना बनाता है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बनाता है, वो उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बनाता है, वो साइकिल देता है, स्कूटी देता है गरीबों के बच्चों को, तो भूखे नंगे के परिवार का होने का कहकर अपमानित करोगे? अरे सेठ कमलनाथ के चापलूस हो, आपको इतना पता होता कि 15 महीनों में सेठ कमलनाथ ने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश बेचने का काम शुरू कर दिया था, दलाल की संस्कृति मध्य प्रदेश में बनाना शुरू कर दी थी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम प्रकार की अराजकता, अवैध धंधे शुरू कर दिए थे। हाँ, वो गांव का बेटा है, किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, लेकिन भूखे नंगे को परिवार कहकर अपमानित करने वालों, 28 विधानसभा क्षेत्रों में आपको गरीब किसान गांव का आदमी जवाब देगा, करारा जवाब देगा। आप यह कहकर अपमानित करने का काम कर रहे हो, सेठ कमलनाथ की चापलूसी में इस प्रकार का गुणगान उनका कर रहे हो, जवाब गरीब देगा, किसान देगा। वहीं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, रजनीश अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता और फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी से सवाल करना चाहूंगी कि दिनेश गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है, सीएम शिवराज को लेकर उन्होंने बहुत ही विवादित टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज को भूखा नंगा बताया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी की तो भूखे नंगे परिवार में है, और दूसरी तरफ कमलनाथ जी देश के दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति जी हाँ है, गांव का बेटा है, किसान का बेटा है, कबेलू का घर बना हुआ था उसमें पैदा हुआ है, गांव के गरीबों की सुनता है, उनकी मदद करता है, दो जून की रोटी की व्यवस्था करता है, उनको तमाम प्रकार के जो प्रबंध, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार के हो सकते हैं उसके लिए करता है, उसके लिए योजनाएं देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज जी की नेतृत्व में बनी। हाँ, गरीबों को गले से लगाता है, उनके लिए प्रणाम करता है, उनकी बेटियों की विवाह की चिंता करता है, कन्यादान की योजना लेकर वो देश में सबसे पहले आए, उनके बुजुर्ग जो है उनको तीर्थ दर्शन कराने की योजना बनाता है, उनको उसको योजना को चलाता है, ये है। लेकिन सेठ उद्योगपति श्रीमान कमलनाथ जी सरकार में आते हैं, क्या करते हैं? वल्लभ भवनों को दलालों का अड्डा बना देते हैं, अवैध खनन, अवैध शराब का धंधा जोरों पर चलता है, उनके मंत्री स्वयं आरोप लगाते हैं जी। ट्रांसफर पोस्टिंग को धंधा बनाकर इस देश में, मध्य प्रदेश में चलाए जाने का प्रयास होता है, 15 महीनों में अराजकता का वातावरण, कानून व्यवस्था ध्वस्त, और उसी प्रकार का जंगल राज खड़ा करने का काम करते हैं जो दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में था। तो सेठ कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश को उद्योगपतियों के हाथ में बेचने का आपने तो ठान लिया था और प्रयास शुरू कर दिया था जी। और अभी अगर दिनेश गुर्जर जी जो कह रहे हैं तो उनके सामने है, भूखे नंगे कहकर गरीबों का अपमान करने का आप काम कर रहे हो, चिढ़ाने का काम कर रहे हो। हमारे तो सेठ कमलनाथ जी उद्योगपति हैं देश के दूसरे नंबर के, तुम तो भूखे नंगे हो, ये क्या अपमानित करने का काम कर रहे हो, चिढ़ाने का काम कर रहे हो, गरीबों को गरीब की मजाक बनाने का काम कर रहे हो जी। ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये वही कमलनाथ जी हैं जब ये केंद्रीय मंत्री थे,
तो महंगाई बढ़ने पर जब इनसे सवाल पूछा गया तो कमलनाथ जी कहते हैं गरीब 2 जून की रोटी खाने लगा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। ये वही कमलनाथ जी है, इसलिए उनकी चापलूसी में इस प्रकार के भाषण करने वाले भी नेता ऐसी भाषा बोलेंगे, गरीबी का मजाक बनाते हैं। गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1970 के दशक में, क्या होगा आपको सबको, हम सबको पता है, हम सबको कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस जमाने में। गरीबी नहीं हटी, गरीबों की संख्या बढ़ गई। गरीबी के नाम पर लूट खसोट मचाने वाले जिस प्रकार का गरीबों का मजाक बना रहे हैं वो सबके सामने उजागर हो रहा है। जी रजनीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी से सवाल करूंगी कि उन्हीं के पार्टी के नेता का विवादित बयान आया है, मुख्यमंत्री जैसे पद पे उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में इस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया है, तो क्या कुछ आपका कहना है? देखिए, ये अशोकनगर की सभा में दिनेश गुर्जर जी भाषण दे रहे थे, बहुत छोटा सा अंश भारतीय जनता पार्टी पकड़ती है, उनकी पूरी बात का सार, दिनेश गुर्जर जी की बात का सार भारतीय जनता पार्टी ना जवाब देना चाहती है ना समझे। उन्होंने सिंपल सी छोटी सी बात कही थी, ठीक है, लेकिन अगर यदि कि उनके हृदय को, किसी के हृदय को ठेस पहुंची है तो हम खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन दिनेश गुर्जर जी ने तो सवाल खड़े किए थे कि अगर ये इतने छोटे परिवार के हैं जैसा कि वो बोलते हैं तो क्यों किसानों के कर्जे माफ नहीं हो रहे, क्यों गरीबों का की सहायता जो है वो छिना ली जा रही है, गरीबों का आटा चोरी हो रहा है, गरीबों का बेचारे हमारे शिवराज जी जो है गरीब की मदद करते हैं, 2 जून की रोटी देते हैं जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। तो ये इनकी बात पूरी कर दूं मैं रजनीश जी की, ये विधायक भी खरीदते हैं, ये महाराजा को खरीदते हैं शिवराज जी, फिर ये सरकार भी खरीदते हैं, तो शिवराज जी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, डंपर खरीदते हैं शिवराज जी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जब मुद्दे नहीं है बोलने के लिए, जवाब नहीं है, तो वो छोटी सी चीज को पकड़ा रही है। फिर भी कांग्रेस पार्टी और मैं किसान कांग्रेस की ओर से, अपने नेता दिनेश गुर्जर की ओर से किसी के हृदय को ठेस पहुंची है तो मैं उसकी उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। दिनेश गुर्जर वही किसान नेता है जिन्होंने 3 बार पूरे मध्य प्रदेश का एक एक ब्लॉक नापा है किसानों की आवाज उठाने के लिए और किसानों की कर्ज माफी के लिए, और वो राहुल गांधी जी के पास तक गए थे, किसानों की जो आत्महत्या हुई थी उनकी जो खेत की मिट्टी है वो उठाई थी उन्होंने और कलश यात्रा निकाली थी। दिनेश गुर्जर जी हर किसान के खेत खेत गए, वो खुद भी एक किसान परिवार से हैं। अगर फिर भी है तो मैंने अपनी बात कह दी है, लेकिन लोगों को जवाब देना चाहिए भाई, क्यों किसानों की कर्जा माफी रोक दी गई, क्यों किसानों को बेचारे 1.5-2 रुपए के 15-16 रुपए का बीमा मिल रहा है, क्यों बेचारे गरीब मजदूरों को, अगर ये दीन दुखिया परिवारों से आते हैं तो बेचारे क्यों गरीब हमारे मजदूर लॉकडाउन में सड़कों पर मारे गए, ट्रेन से कट गए, भूखे प्यासे पड़े रहे, तो वो लोग ये भी देखें कि अगर वो इन परिवारों से आते हैं तो ये सत्ता पे पहुंच के क्यों भूल जाते हैं इन लोगों को। सवाल उस बात का है, सवाल अगर कमलनाथ जी उद्योगपति हैं तो हैं, लेकिन वो गरीब को 100 रुपए की बिजली देते थे, बच्चियों को 51,000 रुपए की कन्या राशि देते थे, वृद्धा पेंशन को दुगना किया था उन्होंने, उन्होंने किसानों के सभी किसानों के, हर छोटा किसान जो इस मध्य प्रदेश में है जो कवेलू के मकान में रहता है उसके सबके कर्जे माफ कर दिए उन्होंने। ये सब चीजें सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है इसलिए वो पकड़ रही है। हमने तो भाषण दिया था, वो भाषण बोल रहे थे, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। जी फिरोज जी, आप बने रहिए, मैं रजनीश जी से इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं फिरोज जी इस बयान को विवादित मान रहे हैं और उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है, तो रजनीश जी क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी है? नहीं, सीधी सपाट बात है, कहीं फिरोज जी के खेत, कमलनाथ जी ने फिर प्रकट किया, उनकी सभा थी, पीसीसी के अध्यक्ष हैं, कोई खेद है? कोई खेद है स्वयं दिनेश गुर्जर के जी के द्वारा? नहीं है। यहां वहां की बात करने का सवाल नहीं है, सवाल खेद प्रकट करने का नहीं है, सवाल तो वही है जो आप देश में नैरेटिव खड़ा करते रहे, गरीबों का अपमान करते रहे, गरीबों के लिए आपने क्या किया, गरीबों की योजना बंद करने का काम आपने किया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद करने का काम किया, संबल योजना बंद करने का काम किया, लाडली लक्ष्मी योजना को आपने दुर्लक्ष करने का काम किया, गरीबों के जो लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2,33,000 वो आपने उसकी जो मैचिंग ग्रांट थी वो बंद करने का काम किया जिसके कारण गरीबों को घर नसीब नहीं हुए, आपने तमाम प्रकार की जो योजना केंद्र की और मध्य प्रदेश सरकार की भाजपा सरकार के द्वारा चलाई जानी बंद कर दी,
गरीबों को साथ में आप लूटने का काम करते रहे और उनके नाम पर आप खिलवाड़ करते रहे, गरीबों की अस्मिता से मजदूर मारे गए महाराष्ट्र सरकार के अंदर, उनसे किराया वसूल करने का काम किया रेलवे कर्मचारी ने, महाराष्ट्र के नासिक के कलेक्टर के द्वारा तैनात कर्मचारियों ने वसूला कराया मजदूरों से, जो मजदूरों की सुरक्षा की चिंता राज्य सरकारों की होना चाहिए वो रेल के पटरी के अंदर को चल दिए गए इनकी सरकारों में, महाराष्ट्र राजस्थान और केरल की सरकारों ने किराया वसूलने का काम किया मजदूर से। ये इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, ये इस प्रकार की सोच वाले लोग हैं और अभी भी यहाँ वहां की बात कर रहे हैं, अभी भी यहाँ वहां। हाँ गरीब का बेटा है, कबूलियत कबेलू के घर में पैदा हुआ है, हाँ गांव का बेटा है, हाँ विधायक भी खरीदता है, विधायक भी खरीदता है, मध्य प्रदेश को नहीं डंपर खरीदता है, ठीक है डंपर भी खरीदता है चौहान ब्रदर्स लिखा हुआ। भाई इनको कहिए मैं बोल लूं, नहीं तो फिर ये बोले फिर मैं चुप रहता हूँ। जी जी आप बोलिए। और दूसरी बात यह है, मध्य प्रदेश को नहीं बेचता, उद्योगपतियों के हवाले नहीं करता, जो छोटे लघु उद्योग हैं, जो सूक्ष्म उद्योग हैं, मैं से नहीं के उनकी इन्होंने जो सबमिट हुआ करती थी मैग्निफिसेंट एपी में, उनको बुलाया तक नहीं, मध्यम वर्ग पर डबल मार्क इन्होंने कर दी, जो रोजगार सबसे ज्यादा देते हैं एमएसएमई, उनकी डेढ़ साल तक उनकी बोर्ड की मीटिंग नहीं, उनका पेंडिंग पैसा नहीं दिया, उनकी छोटी बड़ी समस्या, वो कहते भैया बड़े उद्योगपतियों को जमीन दे रहे हो कमलनाथ जी, आप इसी दाम पर हमें दे दो जो बाकी जमीन पड़ी है, उन्होंने मना कर दिया, बात तक करने से इनकार कर दिया, एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश में, जो 61 रजिस्टर चला करते थे वो 4 रजिस्टर पर लेकर आए, उनको इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, अभी आत्मनिर्भर भारत में तमाम प्रकार के प्रबंध उनको करने, तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोअर क्लास गरीब क्लास हर किसी के लिए काम करने का जो योजनाएं देश के हमारे विपक्षी दल भी चलाने के लिए तेजी के साथ में तैयार हुए, ऐसी योजनाओं का श्रीगणित करने वाले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, ये उनका अपमान, इस दम के भूखे नंगे घर में पैदा हुए, आप अपमान की भाषा देखो, भूखे नंगे घर में, अरे भूखे नंगे घर में पैदा हुए सेठ उद्योगपति आपके कमलनाथ जी तो दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं देश के, मध्य प्रदेश को क्या दिया, मध्य प्रदेश से तो केवल उन्होंने मान सम्मान लिया ग्रहण किया, छिंदवाड़ा से चुने जाते रहे केंद्रीय मंत्री बने, और महंगाई जब बढ़ी तो कहा कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि गरीब लोग दो जून की रोटी खाने लगे हैं, ये बयान है उनका, ये बयान है सबसे कुख्यात बयान है उस जमाने का केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी का, आपने तो सर्वहारा वर्ग चाहे वो बड़ा ही हो, चाहे वो चमड़े का काम करने वाला हो, चाहे लकड़ी का काम करने वाला हो, छोटे मोटे धंधे करने वाला हो, चाइना से 100 से ज्यादा वस्तुओं का आयात आपने सुगम बनाया, उनको कर कम कर दिया, तो यहाँ के छोटे छोटे उद्योग उनके सर्वहारा वर्ग जो यहाँ वहां के काम करते थे उनके धंधे चौपट हो गए, वो केवल किसका चला, चाइना का सामान चलना शुरू हो गया, ये वही कमलनाथ जी हैं, इसलिए इनको गरीब अच्छा नहीं लगता, इनको केवल और केवल उद्योगपति विदेशों के जो बड़ी बड़ी कंपनी तमाम प्रकार के लोग इनको वो सुहाते हैं क्योंकि वहां से चमकते दमकते डॉलर आते हैं, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, गरीबी इनको नाज नहीं आती, न गरीबी दूर करने के लिए इनको एक पास में कोई कार्यक्रम हुआ करते हैं, और होते तो 70 सालों में आज भारत इस हालत में नहीं होता, मध्य प्रदेश में भी 37 से ज्यादा बजट इन्होंने पारित किए कांग्रेस ने, कहां पहुंचा हो, 15 महीनों का कुशासन अराजकता का दंश इस मध्य प्रदेश ने झेला है, उसी को लेकर जवाब इस देश का मध्य प्रदेश का गरीब इनको देगा। जी जी रजनीश जी, फिलहाल आप दोनों मेहमान बने रहिए हमारे साथ। मैडम आपने है ना, आपने तो आधा ही वर्जन लिया मेरा। जी फिरोज जी हम आ रहे हैं आपके पास, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं अभी हम सुनेंगे नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। हम पहले से कहते थे, अब दिनेश गुर्जर जी ने कह दिया है कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ जी, अब उनके कार्यकर्ता ने कहा, और क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पूरा कांग्रेस की है, तो पूरी ताकत जो कारपोरेट कल्चर के लोग हैं इसी पे लगा देते हैं। जनता की पीड़ा वही समझ सकता है जो जनता के बीच से गया हो, जिसने गरीबी देखी हो। इस सोने का चम्मच पैदा लेके होने वाले लोग क्या जाने, हमारे कहा गया है कि जाके पाए ना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। ये इन्होंने कभी दर्द नहीं समझा, इसलिए गरीबों की चाहे संबल योजना हो, चाहे पीर दर्शन योजना हो, कफन दफन तक की योजना इन्होंने बंद इसीलिए की क्योंकि ये जनता की पीड़ा सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले लोग समझते ही नहीं। नंबर के साथ उद्योगपति
हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के सांसद। वहीं हमारे साथ ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रजनीश अग्रवाल जी और फिरोज सिद्दीकी जी। रजनीश जी, फिरोज सिद्दीकी जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। रजनीश जी ने जो कुछ भी कहा उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है फिरोज जी आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोल दूं कि हमने कोई खेद प्रकट नहीं किया है। अगर हम मैंने ये कहा यदि किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो हम खेद प्रकट कर रहे हैं। हमारे नेता ने सही सवाल उठाए दिनेश गुर्जर जी ने कि ये जो शिवराज जी हैं ये अपनी बातों का जवाब दें, जवाब देना किसानों के मामले में, कैसे उनकी सरकार ने आटा चोरी किया, कोई आदमी को जेल नहीं हुई, किसी पर FIR नहीं हुई, जानवरों का जो चावल है वो गरीबों को खिला दिया और वो किसी पर FIR नहीं हुई, करोड़ों रुपए के घोटाले हो गए इस सरकार में गरीबों के, वो किसी पर FIR नहीं हुई। खुद बमोरी वाले जो महेंद्र सिंह सिसोदिया इनके मंत्री कहते हैं कि संबल योजना में 65 लाख जो कार्ड थे वो फर्जी बने हुए थे, तो गरीबों का पैसा जो है। फिरोज जी, मैं इस पर रजनीश जी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। रजनीश जी, क्या कुछ आपका कहना है? मैडम, ऐसा है कि आप बराबर टाइम दीजिए, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूं, मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं। जी, लेकिन आपके बयान पे मुझे प्रतिक्रिया लेना भी तो जरूरी नहीं, है। आपने उनको बहुत टाइम दे दिया। जी, आप अच्छा करिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि 100 रुपए की बिजली जो गरीब के कपड़े में कमलनाथ जी पहुंचाते थे, वहां हजारों के बिल क्यों आ रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए। जब जवाब हो जाए आपके पास तब आप अपनी बात करिए। क्यों किसानों के बेचारों के 2 लाख की कर्जा माफी थी जो है ना बंद कर दी सरकार ने, क्यों डिफॉल्टर कर दिया उन बेचारे किसानों को? इस बात का जवाब दें किसान पुत्र, और इस बात का भी जवाब दें कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, जो दिग्विजय सिंह जी ने खुले खुले लगाए, उस पर वो क्या कहेंगे? आप बात पकड़ के राजनीति मत करिए। वो सिर्फ भाषण दे रहे थे, उनकी कोई आशा नहीं थी कि किसी के हृदय को ठेस पहुंचाए, उनकी कोई मंशा दिनेश गुर्जर जी की नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई शब्द बोले। वो अपनी बात कह रहे थे, अपनी बात में वो किसान नेता है, किसानों की तरह बात की उन्होंने। अगर उसमें उनको लगता है कि ये कोई शब्द उनके शब्द से किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो उसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं। बस यही बात है और यही फाइनल आंसर है कांग्रेस का। जी बिल्कुल। रजनीश जी, मैं आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पर जो फिरोज सिद्दीकी जी ने कहा है। कुछ इनको और कुछ बोलना हो तो बोल लें, बीच बना बोल लें, फिर जब मैं बोलना शुरू करूं तो आप ये सुनिश्चित कर लें पहले, तो फिर मैं बोलना शुरू करूं। जी बोलिए बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि गांव का बेटा है, किसान का बेटा है, कबेलू के घर में पैदा हुआ है, और जनता की सेवा करने के लिए जो योजनाएं चलाई हैं वो योजनाएं दूसरे राज्यों ने अमल में लाई हैं, चाहे वो किसान के बेटा बेटियों के लिए हो, खेती का रकबा बढ़ाया है। और ये बात कमलनाथ जी ने मैग्निफिसेंट MP के दौरान मध्य प्रदेश की तारीफ में कही है, जब तो उनको 6 महीने भी नहीं हुए थे सरकार में आए हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में एग्रो प्रोडक्शन बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा, अनाज के मामले में देश में दूसरे नंबर पर, तिलहन के मामले में नंबर 1 पर और दलहन के मामले में नंबर 3 पर, दुग्ध उत्पादन में अंडर 5 में, मछली उत्पादन के मामले में 32% की ग्रोथ। ये हम नहीं कह रहे, ये कमलनाथ जी ने कहा। कमलनाथ जी ने कहा कि किस प्रकार यहाँ तमाम प्रकार के उद्योग धंधे शिवराज सिंह चौहान जी के शासन काल में आए, ये कमलनाथ जी ने कहा, मैग्निफिसेंट MP के दौरान कहा। तो मुझे लगता है कि ये अपने नेता की बात स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार का ये अपमान करने की भाषा, भूखे नंगे के घर में पैदा हुए, ये जो खींच है, ये जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट उजागर मैंने कहा किस प्रवृत्ति की है, ये उसी प्रवृत्ति की है जिस प्रवृत्ति से कमलनाथ जी स्वयं राजनीति करते रहे हैं, गरीब को और गरीबी का अपमान करते रहे हैं। और ये जिस प्रकार की बात, हम खेत प्रकट नहीं कर रहे, कांग्रेस ने खेत प्रकट, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अहंकारी लोग, ये अधिनायकवादी सोच वाले लोग, ये दादागिरी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले लोग, ये कब्जा जमाने की प्रवृत्ति वाले लोग, ये लोकतंत्र नहीं तानाशाही वाले लोग, ये आपातकाल वाले लगाने वाले लोग, ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग, ये संविधान को कुचलने वाले लोग, ये क्षमा याचना खेत प्रकट, ये तो सभ्य लोगों की बातें होती है, सभ्य समाज की बातें होती है कि कोई गलती हो गई माफी मांग ले, वो तो हम तो वहीं खड़े हैं। और कमलनाथ जी ने बिल्कुल, रजनीश जी, फिलहाल आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।